हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स हिंदी पर। फिजिक्स हिंदी जिसमें YouTube चैनल है। तो आज हम बात करेंगे आदर्श द्रव क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड क्या होता है, यानी जो आदर्श द्रव होता है वो असंपीड्य तथा अस्यान होता है। असंपीड्य तथा अस्यान होता है, यानी कि आदर्श द्रव की जो संपीड्यता तथा अस्यानता ये दोनों होती हैं वो शून्य होती हैं। यानी आदर्श द्रव में संपीड्यता तथा अस्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। तो इससे ये प्रूव तत्व हुआ कि जो आदर्श द्रव है वो असंपीड्य तथा अस्यान होता है। अब असंपीड्य तथा अस्यान का क्या मतलब होता है? यानी असंपीड्य होता है, मान लीजिए ये कोई द्रव है, ये कोई बर्तन है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है, यहाँ तक ये द्रव भरा हुआ है। तो द्रव के असंपीड्य होने का अर्थ है जब इस द्रव को दबाया जाएगा, यानी ऊपर से प्रेशर पी लगा करके दबाया जाएगा, तो इस द्रव के आयतन तथा घनत्व डी, डेंसिटी और वॉल्यूम, आयतन तथा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये द्रव पूर्ण रूप से असंपीड्य है। लेकिन अगर इस पर दाब लगाया जाएगा, अगर इसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो यह द्रव असंपीड्य नहीं है। और द्रव के अस्यान होने का मतलब होता है, यानी ये इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, तो इसमें जो द्रव है, द्रव की विभिन्न परतें होंगी, तो विभिन्न परतों के कारण द्रव है उसमें स्यान बल कार्य करता है, यानी द्रव में स्यानता का गुण होता है, जिसके कारण जो एक दूसरे की परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो अगर द्रव अस्यान है, तो इसका मतलब ये है इस द्रव में इस प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के द्रव में स्यानता नहीं होनी चाहिए। तो ये द्रव के अस्यान होने का मतलब है। तो इस प्रकार के द्रव को हम कहेंगे आदर्श द्रव। लेकिन व्यवहार में इस प्रकार का कोई भी द्रव नहीं होता है। द्रवों में कुछ न कुछ स्यानता अवश्य होती है और द्रव असंपीड्य भी नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श द्रव व्यवहार में नहीं है। और जो श्यानता का गुण है वो द्रवों में अधिक होता है और गैसों में उससे कम होता है। धन्यवाद।